हेलो गाइस, मैं हूं अमित और गाइस आप सब लोगों का स्वागत है एक बार फिर से एक और धमाकेदार वीडियो में। गाइस आज हम फिर से आ चुके हैं, मतलब बेसिकली ये वही सेम डे है जहां पर हमने कुछ सांपों को रिलीज़ भी किया था। गुड्डू जी हमारे साथ में हैं और यहां पर हम और सांपों को जो है रेस्क्यू करके उनको रिलीज़ करने वाले हैं। तो अभी जो है रात का समय, हमारा प्लान था कि इसको कल हम करेंगे नेक्स्ट पार्ट को, लेकिन गाइस रात को कॉल आ गया तो भाई अब सांप जहां घुसेगा वहां बचाने इनको जाना पड़ेगा, इनके पीछे पीछे हम भी चलेंगे। ठीक है, तो फटाफट से शुरू करते हैं। आप लोग वीडियो के लिए लाइक का बटन जरूर दबा देना, चलते हैं देखते हैं कौन सा सांप है। बैग में से टॉर्च निकाली तो टॉर्च दीजिए। टॉर्च कर दीजिए। विकास ये लग तो दिख तो सांप जैसा रहा है, गोया है है ना, पास हो सकते हैं ना इसके। हां हां ठीक है, तो ये इसका पंजा दिख रहा है, गोया नहीं है ना, वो है ये गो है, इसका इतना बड़ा ये पंजा दिख रहा है ये वाला। तो ऐसा करते हैं, अभी ये कितने इंच की दीवार है? 9 इंच। उस साइड क्या है? देखने में एक बार को किसी को भी लग सकता है कि ये सांप जैसा दिख रहा है, हाँ। और जब ये मूवमेंट करेगा तो लगेगा कि ये सांप जैसा ही है, लेकिन ये सांप नहीं है, ये एक छिपकली है बेसिकली, हाँ। जो लिजार्ड होती है ना, ये बड़ी छिपकली है, लेकिन दिल के अंदर तो डर तो है। हाँ, बिल्कुल दिल के अंदर डर होता है, लेकिन वैसे ये जो छिपकली है इसमें कोई जहर भी नहीं होता। इसके बारे में बहुत सारे अंधविश्वास है, लोग मानते हैं कि ये जो है जहरीला होता है, लेकिन जो पटक है ना ये बिल्कुल नॉन वेनमस होता है। देखिए फुंकार सुनिए, कुछ नहीं, लेकिन लोग ऐसा बोलते लोग ऐसा बोलते हैं कि मतलब फूकने से मौत होती है। काटता है तो वो उससे कुछ कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, बिल्कुल नॉन मेनस, लेकिन इसके बारे में बहुत ज्यादा ये कहा जाता है। और गाइस देखो बहुत जानदार, मतलब देखने में ऐसा लगता है जैसे इसमें बहुत ज्यादा ताकत होगी और पावर और लग नहीं रहा है। ताकत है, ताकत तो इसमें रहती है बहुत, क्योंकि पहले के लोग जो होते थे ना, जो अभी उसको बोल नहीं सकते कि पहले जमाने के लोग चोरी जो करते थे ना, तो इसका यूज करते थे, मतलब कहीं पे इस पे रस्सी बांधते और इसके जो पंजे वो फंस जाते थे। ग्रिप इनका बहुत तगड़ा होता है, पाटा गो भी बोलते हैं गाइस। और ये जो है पहले के टाइम में जैसे किसी दीवार के दूसरी साइड चढ़ना है तो इस पे इसकी पूंछ पे रस्सी बांध के और इसको दूसरी साइड पे फेंक देते थे, तो इस दीवार पे अपनी ग्रिप ऐसी बना लेता था कि इधर से चढ़ सकते हैं। और ये वही वही मॉनिटर लिजर्ड है, चलिए बाहर लेके देखते हैं हम लोग इसका। जब इधर आंख में लगी हुई है इसके, नहीं उधर गया, नहीं नहीं उधर से स्टिक वगैरह से लगता है, चेक करते हैं आराम से। साफ से भाई काम किए, ला दिया पानी के देखते हैं ऐसा फुटिया बना दा वीडियो नहीं, थोड़ा सा ठंड रहे हैं, आंख में लगी, आंख के बाजू में लगी, आंख तो बन गई, आंख बच गई, आंख में नीचे लगा है, नीचे है, सही है, नहीं हाँ अभी छोड़ेंगे तो खोलेगी भी, उस पर पानी जा रहा है इसलिए बंद कर रखा है। बिल्कुल 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 नीचे लगा है। तो भाई ये बहुत अच्छी बात है कि इसकी आंख के पास में जो है चोट लगी है, लेकिन आंख के अंदर नहीं लगी है, तो ये बहुत जल्दी रिकवर हो जाएगा। और ऐसे रेस्क्यू करते टाइम देखिए किसी का इरादा नहीं होता किसी को नुकसान पहुंचाने का, बट स्टिल इनकी जान बचाने के लिए ही हमने इसको बाहर निकाला। गुड्डू जी ने इसको इसी में लगी थी ना, हाँ देखिए अब इसकी आंख पूरी खुल रही है और इसमें किसी तरीके का कुछ भी मतलब डैमेज नहीं है, ऊपर लगा है मेरे हिसाब से, है ना। ऊपर एक छोटा सा चोट लग गया है इसको, इसमें वजन कितना होता है लगभग? अरे ये तो 5-5 किलो की केजी की रहती है। ये इसका वजन कितना? इसको एक बार ऐसे टच कर सकते हैं, जिंदा करिए। इसका जो स्किन है उसका जो फील है वो बहुत डिफरेंट है, जो सांप था उससे तो बहुत अलग है, हार्ड, ये बहुत हार्ड सा है, बहुत टफ सा जो है इसका स्केल्स है। तो गाइस यहाँ पर मैंने मॉनिटर लिजर्ड को अपने हाथ में पकड़ रखा है फिलहाल,
और अगर इसको वैसे देखें तो वास्तव में ये बेहद ही जो है खूबसूरत जानवर है, अगर हम इसको नेचर की नज़र से देखें तो बेसिकली। भाई अब इस मॉनिटर लिजर्ड को पैक किया जा रहा है इस कट्ठे के अंदर, और इसका नेचुरल हैबिटेट भी वो सांप वाला ही है, जहाँ सांप रहता है वहीं रहता है। ले लीजिए पकड़िए। अच्छा मुझसे रिलीज करवाएंगे? आप ही करिए, आपके लिए अच्छा रहेगा। तो गाइज यहाँ पर हम इस मॉनिटर लिजर्ड को जो है रिलीज कर रहे हैं। अच्छा इसको ऐसा पकड़ने से इसको कोई दिक्कत थोड़ी होती है? कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा सा रखता है लेकिन हम लोग ज्यादा देर तक उसको रखते नहीं है। अच्छा अच्छा, मतलब ये बहुत ज्यादा परेशानी नहीं होती इसको थोड़ी देर में? थोड़ा देर रखना चाहिए, इसको छोड़ेंगे तो शायद ये भागने की कोशिश तुरंत भागेगा। और इसकी आंख वाँख बिल्कुल ठीक है, इधर भी ठीक है, इधर भी ठीक है। चलो कुछ मुंडी उधर करिए, ये मुंडी उधर। हाँ अब आप जाओ जहाँ आपको जाना है। ओ भक्ति गई। चलो छोड़ के बहुत अच्छा लगा बिल्कुल। और वहाँ पर ये होती ना तो वही बात है कि इसको मार भी सकते थे, एक सुकून मिलता है कि मतलब मैंने अब ये जो है अभी के लिए तो बच चुकी है, बच चुकी है। अगर ये इंसानों के कॉन्टेक्ट में दोबारा से नहीं जाएगी तो इसको कुछ नहीं कुछ नहीं होगा। तो गाइज आज है अगला दिन और फिर से हम लोग जो है आ चुके हैं यहाँ पर एक और रेस्क्यू के लिए। गुड्डू जी यहाँ पर जो है गाड़ी चला रहे हैं और भाई साहब सुबह ही जो है रेस्क्यू के लिए कॉल आ जाता है कि हमको यहाँ सांप मिला है वहाँ सांप मिला है, दो तीन जगह से फ़ोन ऑलरेडी आ चुका है। तो फर्स्ट जो है आज का कवर कर रहे हैं, आई डोंट नो कौन सा सांप है, कौन सा सांप है आपको अंदाजा है? मैंने तो अब तक लोगों को बोला है कि कोबरा है, बता तो रहे हैं कोबरा के लिए। अच्छा कोबरा बता रहे हैं, लेकिन कई बार लोगों को अच्छे से नॉलेज नहीं होता है तो वो कंफ्यूज भी हो जाते हैं दो तीन सांपों में, और उसका फोटो इनके पास नहीं आ पाया है। लेकिन अब जो है डॉक्टर खुद ही चल करके आ गए हैं पेशेंट के पास में। तो कोबरा है मिला था कि ना? विकास तार निकालेंगे तार तार तो भाई यहाँ पर देखिए सांप पकड़ में आ चुका है और गुड्डू जी ने इसको इतना प्यार से निकाला है बाहर। स्टिक पे जरूर इसके फंकार सुनिए। पीछा ठीक है, मेरा स्टिक लिया ना छोटा वाला, छोटा वाला है ना, ठीक है। आवाज़ कर रहा है अंदर से, वो फूक मार रहा है, देखो ना कितना तेज आवाज़ आ रही है। आप लोग शांत रहिए, आप ऐसे मत। दीवार में इतना बड़ा सांप घुसा हुआ था, इतनी छोटी सी जगह में घुस जाते हैं ये। आपने देखा कितनी छोटी थी? बिल्कुल छोटी सी जगह है भाई। इसका रीजन ये होता है कि इनके शरीर में हड्डियां नहीं होती हैं। अब इसका ध्यान मेरी तरफ नहीं है अभी तो। चलिए इसका अभी मेरे से दूर है ना स्ट्राइकिंग रेंज इसका। हाँ स्ट्राइकिंग रेंज से दूर है। एक बार इसके स्पेक्टिकल्स, ओ आपने छोड़ ही दिया इसको वैसे। कोई दिक्कत नहीं गाइस, आपको इसके स्पेक्टिकल्स दिख रहे होंगे पीछे जो दो निशान है उसी की वजह से इसको इंडियन स्पेक्टिकल कोबरा कहा जाता है। और ये शायद सबसे ज़्यादा जहरीला यही पाया जाता है हर जगह पर, है ना? सबसे ज़्यादा। और देखिए अभी अपने पूरे शरीर में से सारी हवा फेंक करके डराना चाह रहा है, देखो। अब थोड़ा सा क्या थोड़ा ऐसा करेंगे ना अपना, वो तो नहीं मार देगा? नहीं नहीं कुछ नहीं, वो आप जो ऐसे ऐसे करते हैं वो वाला। इसको हटाइयो कैमरा हटाओ,
लेकिन थोड़ा सा आगे ना, एकदम फ्रंट पे इधर आइए। अच्छा अब करिए। हां हुआ, लिया आप, लिया आप, इधर घूमना है अब घूमें। अच्छा, अच्छा ऐसे आप इधर भी जाएं, इधर भी आप देखें। अरे यार ये मुझे देख रहा है, वाओ पूरा घूमे, एक रन एक राउंड मारे इसने, मेरे को ट्रैक कर लिया है। आप हिल रहे हैं ना, ये ज्यादा करके हिलती हुई चीज को ज्यादा अट्रैक्टिव लगता है। तो अब इसको पैक करेंगे और इसको लेके चलिए। इसमें कौन सा वेनम होता है, कौन सा जहर होता है? न्यूरोटॉक्सिक। न्यूरोटॉक्सिक, न्यूरोटॉक्सिक इसमें पाया जाता है। ये हीमोटॉक्सिन किसमें होता है? उसमें रसल वाइपर में होता है वो। अच्छा, इसमें हीमोटॉक्सिन नहीं होता। रसल वाइपर हो गया आपका, श्वास किल वाइपर हो गया, तीसरा हो गया आपका बम्बू पिट वाइपर हो गया। ये कैमरा के ऊपर जो है इसने वेनम नहीं छोड़ा है इसने, ओ इसने डराया रहा है, केवल डराया है। अच्छा ट्राई करते हैं, नेक्स्ट वाले में वोट कर लेंगे। चलिए तो गाइस कोबरा पैक हो चुका है। एक और 60-70% ये लोग फॉल्स बाइट करते हैं। अच्छा मतलब वो डराने के लिए, डराने के लिए केवल। और तो इनके, इसको अपन समझदारी कहेंगे सांपों की या क्या कहेंगे कि क्यों करते हैं वो ऐसा? वो वेनम जो होता है इनका, वो नहीं सोचते कि मैं अपने किसी बड़े चीज पे खर्च करूं। अच्छा, इनको वेस्ट नहीं करना, वेस्ट नहीं करना चाहते हैं। ओके। और इनमें ये लोग जो भी बाइट करते हैं, तीन प्रकार के बाइट करते हैं। एक पहला हो गया फॉल्स बाइट, दूसरा स्केच बाइट और तीसरा वेनम बाइट। तो जो वेनम बाइट होता है उसी में आदमी लोग की मौत होती है। फॉल्स बाइट में तो ये होता है कि सांप ने मारा मारा और हटा लिया, लगा ही नहीं, मतलब दांत को लगाया नहीं। और दूसरा जो तो लगता है, दांत नहीं लगता, दांत नहीं, वो स्क्रैच बाइट में होता है जो दांत लगाते हैं ऐसे ना। अच्छा, बस आपने सांप ने अपना आपके बाइट किया, उसने आपने खींच लिया। अच्छा, तो स्क्रैच बाइट हो गया, तो उसमें वेनम आपके शरीर में इंजेक्ट नहीं कर पाया। अच्छा अच्छा, दांत लगा पर जहर अंदर नहीं गया, वेनम अंदर नहीं गया। तो दो बाइट हो गया। तीसरा जब वेनम बाइट होता है, जब अपने दांत को लगा के फिर उसके बाद जब निकालते हैं ना, तो लोग बोलते हैं कि अभी ये अपने दांत को निकाला तो पलट रहा है। तो अच्छा, ऐसे इनका दांत ऐसे होता है, फिर ऐसे ऐसे करते हैं, दो ऐसे करते हैं तो उनका एक बार इधर से एक बार इधर से ऐसे ऐसे काटते हैं। उनका वेनम जो है वेनम वो अंदर इंजेक्ट ग्रंथि से इंजेक्ट हो जाता है, उसी में लोगों की मौत हो जाती है। तो बहुत सारे लोगों को तो ये स्क्रैच और ये सब ही होता होगा ना ज्यादातर? बहुत से लोग जैसे झाड़ फूक वाले क्या करते हैं, दो तरह का जो बाइट होता है उसी में झाड़ फूक करेंगे, बोलेंगे कि मैंने बचा लिया, कोबरा काटा मैंने बचा लिया। जब भी वेनम बाइट होता है तो लोग बोलते हैं वो आप थोड़ा सा पहले आए होते तो मैं इनको बचा लिया होता, क्योंकि उनके बस के बाहर की बात है वो। लेकिन भाई किसी भी तरीके के अंधविश्वास से, किसी भी झाड़ फूंक से, किसी भी तंत्र मंत्र पूजा इन सब चीज़ों से सांप के काटे हुए पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि वो एक जानवर है, वो एक जंगली जानवर है, वो एक एनिमल है, ठीक है। इंसानों को काटेगा तो उसके अंदर उसने अगर कोई केमिकल छोड़ा है, जो उसने अपना पॉइजन, जो उसने अपना वेनम छोड़ा है, तो उसका जहर अंदर वो जाकर के असर तो ऑब्वियसली करेगा। ऐसा नहीं है कि कोई झाड़ फूंक मंत्र से वो गायब थोड़ी ना हो जाएगा, वो तो बॉडी में घूमता रहेगा, घूमता रहेगा और वो अपने शरीर को जो है वो डैमेज करेगा, डैमेज करेगा। बिल्कुल। तो आप लोग भी अगर आप में से कोई भी ऐसा मानते हैं, जैसे हमारे अक्सर उधर क्या है कि कोई कुछ लोग होते हैं जो कि कहते हैं कि भाई अगर सांप ने काटा है कोबरा कोई सा भी सांप हो तो वो उसका इलाज कर देते हैं, उसको चूसने लग जाते हैं जहर को, और तो ये सब बिल्कुल नहीं होता है। बिल्कुल नहीं, ऐसा करने से ना तो कुछ वैसे होता है, और गुड्डू जी आपको बता ही रहे हैं यहाँ पे कि इससे कुछ भी जो है फायदा नहीं है, फायदा नहीं है। तो आप सब भी इनके चक्कर में प्लीज ना पड़े, ना पड़े। आप सीधा कोई भी स्नैक बाइट हो सीधा हॉस्पिटल जाए, अगर आप जान रहे हैं कि ये कौन सा सांप है, वेनमस है नॉन वेनमस है, तो फिर उस हिसाब से अपना ट्रीटमेंट कराएं। अब एक बहुत ही यहाँ पर इंटरेस्टिंग और थोड़ी सी खतरनाक बात आपको बताते हैं कि गुड्डू जी को खुद को कोबरा बाइट कर चुका है, और वो भी फॉल्स बाइट वगैरह भी नहीं, वेनम बाइट किया, वेनम बाइट जिसमें उसने अपना वेनम एक्चुअली में इनके बॉडी में इंजेक्ट कर दिया। तीन बार इनको जो है कोबरा काला सांप जिसको नाग बोलते हैं वो काट चुका है, और आपके सामने है, एकदम सुरक्षित है, एकदम हेल्दी है। अभी लास्ट टाइम कब काटा था आपको? अभी हो गया 2 हफ्ते हो गया, 2 हफ्ते यानी 15 दिन पहले इनको कोबरा काटा है, और आई थिंक ये उसके अगले या उससे एक दिन छोड़ के वापस से अपने काम पे जुड़ गए, क्योंकि इन्होंने सही ट्रीटमेंट लिया था। इनको एंटी वेनम और जो भी जो ट्रीटमेंट होता है वो अच्छे से दिया गया। आप वो दिखा सकते हैं, आपके है क्या हाथ पे कहीं पे निशान? अभी ये अभी थोड़ा निशान है, ये देखिए, ये यहाँ पर ये जो स्किन हटी है ये वाली, ये है एक दांत यहाँ पे दो व्हाइट हो गया ना, ये दोनों दांत यहाँ लगे थे वेनम वाले, एक इधर और एक इधर, दोनों साइड में जो है दो निशान है, यहाँ पर कोबरा ने काटा था। अच्छा ठीक, दोस्तों यहाँ पर जो सांप है वो
खेत के अंदर यहाँ कोई कुएं में या ऐसी जगह पर है, काफी दूरी से हम जो खेत में ट्रेवल करके आए हैं। गाड़ी हमारी वहाँ खड़ी हुई है, काफी दूर पे आप देख सकते हैं दोस्तों। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अंदर जो है पानी में जो सांप है वो पड़ा हुआ है, और अब इसको बाहर निकालना पड़ेगा। आधा डूबा हुआ था, बाहर है ना पानी से। और ये जो कॉमन क्रैब स्नेक है जो कि इंडिया में काफी पाया जाता है, और सबसे जहरीला सांप इसको इंडिया का बताया जाता है। ये जो है इंडिया का मोस्ट वेनमस स्नेक है, यानी कि इस ये अगर काटता है और सही इलाज नहीं मिल पाता है तो बचने की संभावना सबसे कम इसके अंदर ही होती है। ये बहुत ज़्यादा खतरनाक है। तो अब जो है गुड्डू इसको बाहर निकालेंगे और इसको सुरक्षित करके तो जंगल में छोड़ देंगे। थोड़ा सा जगह बना लीजिएगा उधर भी बाहर ले जाने के लिए। इसका लंबाई भी काफ़ी है, इसकी देख रहे हैं ये, इसकी स्किन भी थोड़ी सी, और ये पानी की वजह से सब हो गया। इसका स्किन भी थोड़ा सा पानी की वजह से हो गया है ना। अब ये एक बार केचली उतार देगा ना तो फिर उसके बाद सही हो जाएगा। वैसे वैसे तो हेल्दी है ना एकदम ये। नहीं बॉटल नहीं, वो अपना एक छोटा थैला होगा उसको निकालिए। ये तो कुछ ज्यादा ही छोटा सा सांप है वैसे तो, पर वैसे बहुत ज्यादा खतरनाक है ना। देखिए इसकी पहचान देख लीजिए, ये 5 इंच छोड़ के अच्छा। उसके बाद व्हाइट व्हाइट लाइनिंग है, देख रहे हैं थोड़ा शुरू का छोड़ के। यहाँ से आपको यहाँ से स्पॉटेड रहेगा, आराम से बिंदास घबराए हैं। इसका एकदम रेड कलर का जो एकदम गुलाबी कलर, पिंक, बिल्कुल पिंक है। ये थोड़ा सुस्त सा भी हो गया है ना, इसमें पानी में रहते अच्छा अच्छा। इनको जो है रात में ज़्यादा एक्टिव होता है, धूप में इनके आँख में जो है ना रोशनी बहुत लगती है, अच्छा इसीलिए इनको एक्टिव नहीं रह पाते। गाइस इसके अंदर भारत का सबसे जहरीला सांप फिलहाल मौजूद है इस बैग के अंदर मेरे हाथ में, और इसको पकड़ करके बहुत ही डिफरेंट फील जो है मुझे आ रही है। दूसरा सांप तो नहीं मिला लेकिन यहाँ पर एक पीला मेंढक जरूर हमको मिल गया है, और मैंने अपने ज़िंदगी में पहली बार एक येलो कलर का फ्रॉग देखा है यहाँ पे। क्या बात है, बहुत ऊंचा चढ़ जाता है। 40 जहरीला तो नहीं है ये फ्रॉग? नहीं ये जहरीला नहीं होता लेकिन बहुत ऊंचा चढ़ जाता है, बहुत ऊंचा क्लाइंब कर लेगा 50। अच्छा अभी देखो वो दरवाजे के ऊपर चढ़ रखा है जहाँ पर बिल्कुल फ्लैट सरफेस है। क्या बात है, चौथे फ्लोर पे भी। दोस्तों यहाँ पर जो है एक कोबरा सांप है मेरे हिसाब से, और उसको ये कह रहे हैं कि पाइप के अंदर बंद करके रख दिया है उसको, ताकि वो जो है कहीं भाग भी ना पाए। मतलब एक पाइप के अंदर घुस गया बताया, दोनों साइड उसमें कपड़ा वगैरह लगा के, तो देखते हैं कि कहाँ पर है। और एक चीज़ है कि हमको नए नए तरीके के अलग अलग एक्सपीरियंस यहाँ पर ज़रूर से मिल रहे हैं कि किस तरीके से लोग अपने हिसाब से जो सांप है उसको बचा करके सेव कर लेते हैं। वहाँ पर उसको हैंडल तो नहीं कर रहे बट स्टिल वो उसको जो है इस तरीके से सेफली रख रहे हैं कि हाँ उसको जो है आसानी से फिर बचाया जा सके। इस पाइप के नीचे आया है यहाँ पर, अभी अभी किधर है? अरे अरे ये रहा ये रहा ये रहा ये रहा ये रहा, तो तब से इस यहीं पे छुपा हुआ है। अच्छा तो अपने को जैसे मान लीजिए आधा घंटा हो गया है तो ये तब तक में भागा नहीं इतना देर से। इसको अच्छा लगा ना, मतलब जगह इसको मिल गया। अच्छा आप ध्यान रख रहे थे कि यहीं पे है ये। अच्छा 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 ठीक है। चलिए आपने बहुत अच्छा काम किया इसको बचा के और गुड्डू जी को इसको बता के। इसकी आँख के ऊपर ये वो क्या चीज है? हाँ इसकी आँख ऐसे लग रहा है कि पूरी ढकी हुई सी है ना, वो पूरा ट्रांसलूसेंट हो रखा है इसका ये। वही वही आप दिख नहीं रहा है आर पार उसमें। ये हम इसको कपड़े भी इतना इजीली कैसे ले पा रहे हैं इसको? इसलिए हम लोग बोलते हैं कि मतलब मेरा कोई काफी ना करे। नहीं वो तो बिल्कुल ठीक है, करेगा भी नहीं कोई वैसे तो। दोस्तों यहाँ पर गुड्डू जी कह रहे हैं कि हम इसको अब मैं नहीं करूँगा, कि इसको जो है पीछे से जो है थोड़ा सा टच किया जा सकता है अगर इसका ध्यान आगे की तरफ है। ठीक है कर सकते हैं आराम से। अरे यार वाओ। लेकिन आप लोग कभी भी नहीं गाइस बिल्कुल भी
किसी को भी ऐसा कुछ भी कभी भी ट्राई नहीं करना है। और अब आप तो इतना ज़्यादा कर रहे हैं, कोई वैसे भी नहीं करेगा, लेकिन फिर भी अगर आपको लगता है ना कि ये बहुत आसान है, भाई ये बिल्कुल भी आसान नहीं है, अगर आपको नहीं आता तो ये मौत ही है। आप जैसे लोग मिल जाते तो हमें एक वो मिलता है, क्या बोलते हैं, मोटिवेशन मिलता है इस काम को और ज्यादा करने के लिए। बाकी लोग तो क्रिटिसाइज ही कर लेते हैं गांव में कि अरे क्या कर रहा है, थोड़ी से 90% कितने लोग तो मार देते हैं तुरंत, वही ना। अगर मूवमेंट ना करें तो इसको फिर पता नहीं लगता है ना कहाँ क्या है। मूवमेंट होने के बाद देख रहे हैं इसके आंखें वगैरह ना, इसको बहुत कम दिख रहा होगा वैसे भी, बट इसका मेन तो वो अपने जीभ में होता है। भाई इतना आसानी से यार सांप पकड़ लेते हैं। तो गाइज यहाँ पर हम लोग आ गए हैं स्नेक्स को रिलीज करने, और हमने काफी सारे स्नेक्स को रेस्क्यू किया है। तो गाइज आपको एक बार बता देते हैं कि क्या क्या हमारे पास सांप है। हो सकता है आपको वीडियो में सारे ना भी देखने को मिले, क्योंकि वीडियो बहुत ही लंबा हो जाएगा उसकी वजह से। तो गाइज यहाँ पर अब गुड्डू जी मुझसे ही जो है इसको रिलीज़ करवाने जा रहे हैं। मैं बड़े ध्यान से जिस हिस्से पे नीचे सांप है उस पे बिल्कुल टच नहीं कर रहा हूँ, और इस हिस्से पे जहाँ पर कुछ नहीं आ सकता वहाँ से जो है मैंने इसको पकड़ा है। उठा दूँ? हाँ उठाइए। और गाइज ये जो सांप है ना, ये भारत का सबसे जहरीला सांप है। इसको ये आ गया इसमें न्यूरोटॉक्सिन जहर है, वेनम। हाँ न्यूरोटॉक्सिन वेनम है इसमें, और इसको साइलेंट किलर भी बोलते हैं। जब ये सांप काटता है तो आदमी को पता भी नहीं चलता बहुत बार कि सांप ने काटा है, और आदमी जो है उसकी मौत हो जाती है। और इसीलिए पता है क्यों नहीं पता चलता, क्योंकि सांप के जो टीथ होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा छोटे होते हैं। एक बार अपन इसके टीथ दिखा सकते हैं क्या, जस्ट फॉर आपके नॉलेज के और इन्फॉर्मेशन के लिए। तो यहाँ पर इसको हमने पकड़ लिया है, और अरे यार इसका मुंह खुलने के बाद देखिएगा, ये देखो बिल्कुल यहाँ पर जो है इसके दो दांत हमको दिखाई दे रहे हैं। ये रहे बिल्कुल बहुत छोटे से हैं, इसका मुंह ही इतना छोटा है। बिल्कुल मतलब कोई 2-2 mm के जो है इसके दांत हैं। इसका मतलब इसमें वेनम भी बहुत थोड़ा सा होता होगा, लेकिन बहुत ही हाँ खतरनाक होता है। चलिए अब इसको जो है छोड़ देते हैं, इसको रिलीज कर देते हैं और इसको जाने देते हैं। छोड़ दीजिए इसको, ये वेनमस है तो भाई मैं इसके जो है हाथ नहीं लगाऊंगा, गुड्डू जी ही जो है इस काम को अच्छे से कर सकते हैं। ये गया, क्या बात है। भाई साहब सांप जा रहे हैं, और यहाँ पर देखो एकदम बढ़िया से ये रह लेगा अपने नेचुरल हैबिटेट में, नेचुरल एनवायरनमेंट में। हमने आपसे कहा था कि सांप जब बाइट करता है तो उसमें कितना पेन, कैसा एक्सपीरियंस होता है, वो चीज़ भी आपको यहाँ पर दिखाने वाले हैं। अरे यार ये पहले आवाज़ कर रहा है। गाइज अब जो है कोबरा को हम लोग रिलीज करने वाले हैं। गाइज इसमें कोबरा है जो कि आवाज़ भी कर रहा है फिलहाल, और देखिए इसमें से ये आवाज़ भी कर रहा है, देखो। ओहो चलिए इसको मैं नीचे रख देता हूँ, इधर से उठा लूँ कहीं इसका यहाँ पे मुंह हुआ तो। ठीक है तो भाई साहब मैं जो है कोबरा को रिलीज़ कर रहा हूँ यहाँ पे, और ये गया, क्या बात है, वाओ। लेकिन भाई साहब फिर से बता दे रहे हैं कि काम जो है वो एक्सपर्ट के लिए ही है, ये मैं कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ, एक्सपर्ट मेरे साथ में खड़े हैं जिनका 10 सालों से भी ज़्यादा का एक्सपीरियंस है, तो तब जा कर के ये इसको हैंडल कर पा रहे हैं। ये थोड़ा टेढ़ा टेढ़ा क्यों चला शुरू में, अब ठीक है। हाँ देखिए कितना जो है इनको एक्सपीरियंस है, कि इनको सब कुछ पता है कि सांप किस तरीके से बिहेव करेगा, कहाँ जाएगा। ये हमारे बैग में ही घुस रहा है क्या, नहीं निकल गया। यहाँ पर गाइज वो वाला कोबरा है जो हमने ईंटों के बीच में से पकड़ा था, और ये आ गया बाहर, ये भी वाओ। और अब ये अपने नेचुरल एनवायरनमेंट में जा चुका है। एक और कोबरा है हमारे पास में जो कि आज हमने जो रेस्क्यू किया उसमें सबसे बड़े साइज़ का है, तो वो भी आपको दिखाते हैं। और ये भी जो है आवाज़ कर रहा है काफ़ी तेज से, और वाओ देखिए गाइस क्या बात है, क्या बात है। और ये बहुत तेज़ आवाज़ कर रहा है भाई साहब, बहुत तेज़ आवाज़ कर रहा है। थोड़ा पास आ सकते हैं थोड़ा सा। दोस्तों एक चीज़ कोबरा के बारे में, नाक के बारे में ये कही जाती है, पहले तो मैं आपको बताता हूँ, इसको जो है
नाग भी कहते हैं, इसको कोबरा भी कहते हैं, इसको इसको फिटार कहते हैं, इसको गेहुअन कहते हैं, खरीश कहते हैं, और इसको नाजा नाजा बोलते हैं अपन साइंस के लैंग्वेज में, ठीक है। तो कितने सारे इसके नाम हैं, भारत के हर हिस्से में इसको एक अलग अलग नाम से जाना जाता है। और आप देख सकते हैं किस तरीके से गुस्से में है फिलहाल, मतलब गुस्से में तो नहीं है, इनका वो खुद का बचाव का बेसिकली एक तरीका है जिससे कि सामने वाले को डराया जा सके। और ये किसी भी मूवमेंट को फॉलो करते हैं, जैसे अभी गुड्डू जी का जो पैर है ये उसके मूवमेंट को फॉलो कर रहे हैं। गाइस बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि जो नाग होता है, जो सांप होता है, वो कभी भी पानी में नहीं जाता और पानी नहीं पीता है। तो आज हम आपको यही दिखाने वाले हैं गुड्डू जी की हेल्प से कि जो सांप है क्या वो एक्चुअली में पानी पीता है या नहीं पीता है। तो गाइस अब हम जो है सांप को पानी पिलाने का यहाँ पर जो है कोशिश करेंगे। और हाँ, डरने की यार मैं कोशिश तो कर रहा हूँ कि ना करूँ, लेकिन फिर भी अरे वो पानी पी रहा है, सीरियसली गाइस सांप जो है इसका गुस्सा भी खत्म हो गया है। ये देखो थोड़ा सा, मैं ज्यादा पास तो नहीं हूँ इसके। ये देखिए गाइस कोबरा यहाँ पर पानी पिया है, बिल्कुल पिया है। तो गाइस सांप को हमने पानी भी यहाँ पर पिला दिया है, और सांप पानी पीता है, तो इस मिसकंसेप्शन में आप मत रहिएगा। सांप ठंडी जगह पे भी आ सकते हैं और पानी पीने भी आ सकते हैं कहीं पर भी, ठीक है। और गुड्डू जी देखिए इसको कितना ज़्यादा अच्छे से और कितना मतलब आसानी से इसको हैंडल कर पा रहे हैं। सांप की आंखों में आंखें डालकर ये देख सकते हैं, ये यही कर सकते हैं बस। तो अब ये जो है फ्री है, काफ़ी बड़े साइज़ का कोबरा है गाइस, और ये जो है अब जा रहा है अपने नेचुरल इन्वायरमेंट में। दोस्तों अगला सांप हमारे पास में यहाँ पर है इंडियन वुल्फ स्नेक, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, शाकर बोलते हैं इसको। और ये जो है थोड़े छोटे साइज का ही सांप है, और देखने में बहुत ही क्यूट सा लगता है। इसकी लंबाई बहुत ज्यादा होती है, 24 से 28 इंच, उसके नीचे ही सब रहते 24 से 28 तो बहुत कम हो गई ना ये तो। हाँ, तो इतने के रहते ही बस इनकी मिनिमम अच्छा मैक्सिमम इतना होता है बस, और ये नॉन वेनमस होता है, तो इसलिए इसको हम जो है हाथ से इसको निकाल सकते हैं। नीचे रखो या हाथ से निकालो? हाथ से निकालिए, ये काट भी सकता है। काटेगा, बिल्कुल काटेगा, काटेगा, काटते हैं बहुत तेज जबरदस्त। देखिए गाइस ये है इसके अंदर, और ये है इंडियन वुल्फ स्नेक, और इसको जो है मैं निकालने वाला हूँ गाइस अब अपने हाथ से। ये मैंने इसको निकाल लिया है। ये काटा इसने यहाँ पे काटा है, ये फिर ये काट रहा है। ओ तेरी, ओ ओ ओ ओ ओ शिट, आप कड़ी पकड़िए, काटे जा रहा है। ओ गॉड गाइस इसने कई जगह पे काटा है। हाँ ये इनको भी काट लिया, देखो गाइस ये ब्लड आ रहा है, ये अभी भी काट रहा है। अरे काट रहा है भाई, दर्द होता है उसमें, लेकिन ये जहरीला नहीं है, ये नॉन वेनमस है। लेकिन पता है मेरे पूरे बॉडी के अंदर एक थोड़ा अलग ही वो हो रहा है, क्योंकि अब आप तो भाई आप तो एक्सपर्ट हो, आपको पता है इसमें वेनम नहीं है, लेकिन मुझे फील, हाँ मुझे बॉडी के अंदर फील हो रहा है कि मुझे सांप ने काट लिया है। धक धक हो रहा है भाई, सांप से कटवाया है अभी। और ये काट रहा है, ये देखो। और भाई काट ले आराम से। ये देखो पकड़े। ये देखो यहाँ पे काटा है, इस बार यहाँ काटा है। ओहो जीभ निकाल रहा है, और मेरे को बार बार ये जो है ये काटे जा रहा है। ये काट रहा है। इसको छोड़ दें, जाने दें इसको, जाने दीजिए। ठीक है, इसने यहाँ पर जो है वो भी कर दिया है, ठीक है। तो गाइस अब हम जो इसको रिलीज़ कर रहे हैं यहाँ पर कई बार कटवाने के बाद में, ये गया वुल्फ स्नेक नॉन वेनमस सांप। रुक क्यों गया है ये यहाँ पे? इतना बार गाइस मुझे काटने के बाद में जो सांप है उसको हमने छोड़ दिया है, क्योंकि सांप का नेचर है काटना, वो खुद को हमेशा बचाने की कोशिश करेगा। लेकिन ये जो सांप है इसमें जहर नहीं होता है, इसमें कोई वेनम नहीं होता है, तो इसलिए मुझे डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। दिल फिर भी धक धक कर रहा है। अब अगला जो सांप हमारे पास में आखिरी जो बचा है उसको भी रिलीज़ कर देते हैं। अगला जो है हमारे पास में यहाँ पर धामन के बच्चे हैं जो कि हैं तीन, ये भी काटते हैं कुछ होता नहीं। अच्छा ठीक है, और इसकी स्मेल भी आ रही है,
देखो गाइस छोटे छोटे क्यूट से बच्चे, इसको नीचे डाल दूं क्या? रिलीज तो अपने को करना ही है वैसे भी, भाग जाएंगे हाथ। हाँ तो भागाना तो है ही, आप हाथ में दिखा सकते हैं ना, मतलब एकदम से थोड़ी ना काटेंगे। नहीं काटेंगे नहीं, पकड़िए पकड़िए, बहुत कम काटे उसके पीछे, बहुत कम ये कम काटेंगे ना। हाँ हाँ बिल्कुल, उसका काटा हुआ मेरे को अभी तक यहाँ पर दो तीन जगह दर्द हो रहा है अभी भी। तो यहाँ पर गाइस साथ में ना धामन के तीन बच्चे हैं इसके अंदर, ये देखिए तीन बच्चे यहाँ पर धामन के, और ये जो है भागने की कोशिश कर रहे हैं। ये मैंने पकड़ो 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 पकड़ो, एक बार इधर लाइएगा, एक बार देंगे, ठीक है। तो गाइस यहाँ पर जो है बहुत ही क्यूट क्यूट तीन बच्चे हैं धामन के, और मैं इनको बहुत बहुत ज़्यादा जो है मैं इनको प्यार से ये वाइट कर रहा है, ये काट रहा है, मैं इनको बहुत ज़्यादा सॉफ्टली जो है पकड़ रहा हूँ फिलहाल, क्या बात है। और ये मुझे तो काटने की बिल्कुल कोशिश नहीं कर रहे हैं, आप एक्सपर्ट हो गए ना। तो गाइज मैं यहाँ पर एक्सपर्ट हो चुका हूँ सांप पकड़ने में। ये भाई ये काटेगा नहीं, काटेगा नहीं, 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 अच्छा बस हो गया, ठीक है। ये देखो ये देखो, इसका एक का साइज बड़ा है, ये छोटे हैं। और गाइज ये भी जो है बिल्कुल जहरीले सांप नहीं है, इनमें कोई वेनम नहीं है। और अब ये भी जो है अपने एनवायरमेंट में रिलीज होने जा रहे हैं। ये क्या खाएंगे, तो छोटे छोटे हैं, ये तो चूहा तो पकड़ नहीं पाएंगे अभी, ठीक है। तो इनको कर दे रिलीज, एकदम बिल्कुल कर दीजिए, देने एक छोटा वाला। हां दे लीजिए, ये नहीं, ठीक है, ये रिलीज कर लीजिए। हां ठीक है, ये ध्यान रखना इसको बहुत सॉफ्टली पकड़ना, ये खिलौना नहीं है, ये एक जीव है, नहीं आराम से आराम, अगर तू नहीं डरे तो ही पकड़ो इसको, ठीक है। बहुत आसान बहुत इजी पकड़ना, मतलब ग्रिप मत पकड़ना ज्यादा, बिंदास वो जल्दी कुछ नहीं करेगा, आराम से पकड़िए इसको, हल्के हल्के हाथ से रखना है, हल्के हाथ लेते जाइएगा, हाथ को आगे लेते जाइएगा। हाँ क्या बात है। अब भाई देखो मेरे को पता है क्या फीलिंग आ रही है अभी, कि इंसान पता है इस जानवर को इतना आसानी से मार देता है, वो ये सोचता ही नहीं है कि ये तो ना तो बोल सकता है बेचारा, ये बेजुबान जानवर है, इतना क्यूट सा है, इतना अच्छा सा है, मतलब हमारा इस ये कुछ बिगाड़ नहीं रहा है, लेकिन फिर भी इंसान जाने अनजाने में जानकारी के अभाव में इनको जो है मार देता है। ओए मैंने देखो कहा था, अगर नहीं डरे तो ही लेना इनको। गाइस प्यार से रखने की ज़रूरत है अभी, आपको नहीं है कोई ज़रूरत ऐसी। आप लोग अभी हाँ करिए, आप लोग कोई भी जो है इस तरीके का कॉपी प्लीज़ मत कीजिएगा। अब जो है गाइस इनको हम लोग छोड़ देते हैं, ये मुझे दे दो, तीनों को मैं ही रिलीज़ करूँगा, ठीक है। तो गाइस यहाँ पर इनको भी हम छोड़ देते हैं, ये गया एक, ये गया दूसरा, ये सबसे बड़ा है, और ये गया, इसको थोड़ा दूर छोड़ देते हैं इधर से, ये गया तीसरा, ठीक है। और ये बहुत बड़े हो जाएंगे साइज़ में, अभी एकदम आराम से जो है अपने नेचुरल जगह पे जा चुका है। दोस्तों लास्ट सांप आज हमारे पास में है, और इसको जो है मैं बाहर निकाल दूं, बिंदास निकालिए। ये है नॉन वेनमस, ये जहरीला नहीं है, जहरीले सांपों को मैंने बिल्कुल हैंडल नहीं किया है। और इसके अंदर है अपना इंडियन रेड स्नैक, ये भागने की कोशिश कर सकता है निकलते। गुड्डू जी आप थोड़ी सी मदद कीजिएगा मेरी, आप एक बार इसको, हाँ ठीक है बस। और अब इसको जो है गाइस मैं पकड़ सकता हूँ, क्योंकि मैंने कल दो रेड स्नेक को जो है पकड़ करके थोड़ा सा एक्सपीरियंस ले लिया था। मैं सोच रहा हूँ कि ये मुझे काटे, मैं चाह रहा हूँ एक एक्सपीरियंस के लिए, बट ये फिर भी जो है मुझे नहीं काट रही है। इसका मतलब ये बहुत ही ज़्यादा कंपैरेटिवली शांत है, हाँ इसकी स्पीड बहुत तेज है। कोई बात नहीं, छोड़ देते हैं फिर, है ना, क्योंकि हाँ क्योंकि गाइस ये जो है हम सोच रहे थे कि एक बार ये काटे, आप मुझे दे दीजिए अब इसको, क्योंकि गाइस ये हमारा जो आखिरी सांप है इस वीडियो का, और ये मुझे बहुत ही ज़्यादा कूल और बहुत ही ज़्यादा हैप्पी भी लग रहा है यहाँ पे, ठीक है। वाओ गाइस जो सांप है देखो, अभी इसने मेरी ग्रिप तो नहीं छोड़ी है, ये देखो ये तो यार इस पर बहुत अच्छे से ग्रिप बना रहा है ना, ठीक है मैं इसको छोड़ देता हूँ, ये गया। और एक ऐसा ख़तरनाक जानवर जिसको ये इतना प्रोफेशनली बहुत अच्छे तरीके से पूरे नॉलेज के साथ में हैंडल करते हैं, वो देखकर कि हमें बहुत ज़्यादा खुश सुकून भी हुआ कि ऐसे लोग हैं अभी जो कि सांपों के लिए काम करते हैं, उनको बचाने के लिए काम कर रहे हैं। तो इनके लिए गाइस मैं तो एक बार जो है बिल्कुल तालियां बजाना चाहता हूँ यहाँ पर, और इनका काम जो है उसको मेरा सलाम है, आप हमेशा ऐसा काम करते रहिए, और हमें प्राउड है आपके ऊपर कि आप ऐसा काम कर रहे हैं। हमारा मोटिव इस वीडियो का ये था कि आपको सांपों के लिए अवेयर करना, और आपको नॉलेज भी देना, ठीक है, और कुछ नया दिखाना। तो सारी चीज़ें पूरी हो चुकी हैं गाइस, अब आप लोगों को क्या करना है कि हमारा हमको सपोर्ट करने के लिए, हमारा साथ देने के लिए आपको थोड़ा सा एक प्यार दिखाना पड़ेगा अपने एक लाइक के रूप में। तो इस वीडियो के नीचे एक लाइक का बटन है,
उसको प्लीज़ दबा दीजिएगा गाइस। अगर उसको आप नहीं दबाएंगे तो हमको लगेगा कि यार कहीं ना कहीं अपने उसमें क्या कमी रह गई है ना, और कहीं ना कहीं इनके काम में क्या कमी रह गई। गाइस हमारे में हो भी सकती है लेकिन इनके काम में मुझे नहीं लगता कि कोई भी किसी तरीके की कमी है। एकदम बेस्ट टू बेस्ट जो ये कर सकते हैं वो कर रहे हैं सांपों को बचाने के लिए। तो वीडियो के लिए लाइक करना ज़रूर से बनता है, और हमारी तरफ से गिफ्ट ही होगा आपके लिए, जो भी लाइक्स होंगे वो आप इनके लिए कीजिए। तो आज के लिए इतना ही, इतना दूर हम आए हैं, अब वापस हमको जाना है। यहाँ से पहले बनारस जाएंगे, फिर हम लोग घर जाएंगे, और उसके बाद में फिर आपसे किसी और वीडियो में मिलेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, चलो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय।